ये फर्जी जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला है, ये संबंधित जो सीएमओ की आईडी है, डेथ बर्थ की जो आईडी होती है, उसका हैकिंग का मामला है। और ये सन 2021 में ना पकड़ में आया था, जब हमने पाया कि हमारे पास पीसी करण और के 43 बर्थ सर्टिफिकेट और एक डेथ सर्टिफिकेट और एमएलडीसीएस के 54 बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं, जो कि हमारे आंकड़ों से मैच नहीं कर रहे थे। तो इसकी जानकारी हमने पुलिस को भेजी, लिस्ट बकायदा, क्योंकि हमारे पास इसकी मैनुअल एंट्री भी होती है। उसके बाद से सरकार ने इसके लिए ओटीपी का सिस्टम शुरू कर दिया कि जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो जो रजिस्ट्रार है डेथ बर्थ का, उसके पास ओटीपी आएगा, उसके बाद ही पोर्टल खुल पाएगी। तो ये जांच चलती रही और अब इस जांच में दोबारा अब नए सिरे से ये आया है कि कुछ दिनों पहले पुलिस की तरफ से एक आई कि इसकी आप एक डिफरेंट वे में एक रिटर्न वो दे दें, तो इसके लिए एसआईटी की परमिशन कर दी, जैसे मैंने मीडिया में पढ़ा है। और हमारे रजत गुलिया जो डीएसपी हैं, जो कि विल बी हेडिंग दिस एसआईटी। और ये हमारे ज़िले में नहीं, कई जिलों की समस्याएं हैं, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो डाटा हैक कर लेते हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है एक महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट, जहाँ जाके बढ़ेगी तो उसका आंकड़ा बढ़ जाए। और मैंने बताया आपको, ये हमारे ज़िले में नहीं और अन्य ज़िलों की भी समस्या है, पोर्टल हैक हो जाते हैं, हैकर्स होते हैं, जो आईटी हैकर्स हैक कर लेते हैं। तो सुरक्षा के लिए एक ओटीपी का सिस्टम बनाया गया है, बाकी पुलिस की एसआईटी बन गई है, डीएसपी लेवल के ऑफिसर्स की इंक्वायरी कर रहे हैं, तो जल्दी दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, ये मामला हमें सिविल हॉस्पिटल से शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और इसकी गंभीरता को देखते हुए हमारे एसपी साहब मोहित हांडा जी ने इसमें एसआईटी गठित की गई है, जिसमें रादौर डीएसपी साहब हैं, आर्थिक अपराध शाखा है और साइबर क्राइम थाना है। इसमें जितनी अभी तक जानकारी हमें उपलब्ध कराई गई थी, उसी के आधार पर इसमें जो एसआईटी है वो अपना काम कर रही है। और इसमें 54 जो व्यक्ति थे जिनका ऑन रिकॉर्ड हमें प्राप्त हुआ है, जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।